बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है, हम सीधे आपसे संपर्क करते हैं और हर दिन आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपकी खेती किसानी बेहतर हो, आमदनी अच्छी हो। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपको तो पता ही है कि कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया, दिखाते हैं आपको कृषि समाचार में। तो देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों के लिए वेद व्यास आवास योजना, राज्य के किसान पीएम कुसु योजना के तहत ले सकते हैं सोलर पंप सेट और मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के मछली पालक जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान को पीएम कुसु योजना के तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट दिया जा रहा है। इसमें 2 हॉर्स पावर के पंप सेट के लिए 5,000 रुपये, 3 हॉर्स पावर के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर के लिए पंप सेट के लिए 10,000 रुपये का अंशदान लाभुक को स्वयं देना होगा। शेष राशि का अनुदान सरकार देगी। इससे लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप यदि चना फसल लगाए हुए हैं तो अच्छी उपज लेने के लिए पौधों के बढ़वार के समय एक सिंचाई जरूर करें। यदि पौधों में तेज बढ़वार हो उसकी फुनगियों को काटकर हटा दें, इससे उपज में बढ़ोतरी होगी। चना के पौधे जब बढ़ने लगते हैं तब उन्हें उचित खाद पानी की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखकर और मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए एक सिंचाई कर दें। इसके अलावा जिन पौधों की तेज बढ़वार है उन पौधों के ऊपरी हिस्से की छटाई कर दें, इससे शाखाएं, पुष्पन और उपज में बढ़ोतरी होगी। चने में जैसे हम बात करते हैं सिंचाई की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन पहले एक सिंचाई अगर आप बढ़वार के समय में कर देते हैं तो उस समय में सिंचाई करें। और सिंचाई में जैसे ही अगर पौधे की बढ़वार बहुत तेज हो रही है तो जो ऊपर का 15 सेंटीमीटर हिस्सा है चने का उसको तोड़ के हटा दें, जिसे टॉपिंग बोलते हैं। यह करने से आप में इसमें शाखाएं ज्यादा होती हैं और पुष्पन ज्यादा होगा तो पैदावार इससे बढ़ेगी। किसान भाइयों, बसंतकालीन मिर्च की खेती के लिए इस पूरे महीने फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला या AK2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला और KA2 की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह पीतल, अन्य धातु या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें हवा का दाब नहीं बनता है। दवा छिड़कने के लिए लगातार पंप लीवर को चलाना पड़ता है। इसकी कार्यक्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। लत्तीदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्सा कार्ब दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें, इससे फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। रांची का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम,
विराम में भी आपके लिए संदेश है, बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1,00,000 kg लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया, इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22,00,000 से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति,
आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। बत्तख पालन हमारे किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार करेंगे, साथ ही उसके नस्ल का चुनाव कैसे करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि बत्तख पालन करते हैं। बत्तख पालन करने के लिए कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना उन्हें बहुत जरूरी है, तो देर ना करते हुए आइए हम जानते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में बत्तख पालन के व्यवसाय से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ बत्तख पालन या तो लोग मांस प्राप्त करने के लिए करते हैं या फिर अंडे के लिए। तो बत्तख पालने से पहले अपने उद्देश्यों के अनुसार उनकी नस्लों का चुनाव करना चाहिए। यहाँ के वातावरण में अंडे के लिए खाकी कैंपबेल तथा मांस के लिए व्हाइट पेकिंग और देसी नस्ल बेहतर होता है। बत्तख पालन में जब आप चूजे लाते हैं तो उनके वैक्सीनेशन पर अवश्य ध्यान दें, अन्यथा उनकी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, आप सभी बत्तख का पालन करते हैं और विशेष करके इसका नस्लों का चुनाव भी आप करते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात आती है कि बत्तख पालन आप लोग तो कर लेते हैं, लेकिन सही समय और सही देखभाल कैसी होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं ICR प्लांडू, जहां आज हमारे साथ है डॉक्टर रीना कमल, जो आपको हमें बताएंगे कि बत्तख पालन के लिए सही वैज्ञानिक विधि क्या होनी चाहिए और सही चुनाव नस्लों का कैसे आप कर सकते हैं और क्या विशेष देखभाल होनी चाहिए। ये प्यारे किसान भाइयों एवं बहनों, आप अगर बत्तख पालन कर रहे हैं तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं पालन के पहले मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप बत्तख पालन क्यों कर रहे हैं, क्या आपको उनसे अंडा चाहिए या मांस चाहिए, क्योंकि बत्तख जो भी पालते हैं ये दो मुख्य वजहों से पालते हैं कि उन्हें या तो अंडा या तो मांस चाहिए। तो पालन करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम किस नस्ल का चुनाव करें। तो मांस के लिए व्हाइट पेकिंग और हमारी देसी नस्लें, और अंडे के लिए खाकी कैंबल। ये दो नस्लों का हमेशा आपके पास ध्यान में रहना चाहिए कि आप अगर अंडे के लिए पाल रहे हैं तो खाकी कैंबल, और मांस के लिए पाल रहे हैं तो व्हाइट पेकिंग या हमारी देसी नस्लें। जब आप चूजा, जो डकलिंग उसकी चूजे की चूजा लेके आते हैं कहीं से, तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि उनको वैक्सीनेशन पूरी तरह से पड़ी है कि नहीं, क्योंकि बतख में दो जो जानलेवा बीमारी है वो डक प्लेग, जिसको डक कॉलरा भी कहते हैं, और डक वायरल हेपेटाइटिस। ये दो जो बीमारियां हैं ये काफ़ी हद तक मृत्यु दर बढ़ा देती है, तो इसकी वैक्सीनेशन जो है हमें सही समय पे करनी है। जो मैंने बीमारी कहा वो वैक्सीन 1 महीने की उम्र से शुरू हो जाती है और 4 महीने तक चलती है, और उसकी जो जैसे मैंने कहा डक प्लेग जिसको डक कॉलरा भी कहते हैं, डक वायरल हेपेटाइटिस, ये दो बीमारियाँ हैं जो काफ़ी जानलेवा है, और इसका सही तरीके से अगर वैक्सीनेशन किया जाए तो हम मृत्यु दर को घटा सकते हैं। बत्तख पालकों को बत्तख के खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। छोटे चूजों को हमेशा भिगोया हुआ खाना देना चाहिए, सूखे भोजन से उनके गले चोक हो सकते हैं। इसके अलावा चूजे घर में पानी उतना ही रखना चाहिए जितना वे उसे पी सकते हैं। चूजा अगर छोटा है तो उस समय खासकर ज्यादा ध्यान देना है। छोटे चूजों को खाना देते समय हमेशा ये ध्यान रहे कि उनका खाना हमेशा गीला यानी पानी में भिगोया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूखा दाना जैसे मुर्गियों को देते हैं, अगर आप बत्तखों को भी दे देते हैं तो उनके गले में चॉकिंग हो सकती है, क्योंकि उनकी खाने की जो विधि होती है वो मुर्गियों से अलग होती है। मुर्गियाँ चूक कर खाते हैं और बत्तख जो है निगल कर खाते हैं, तो निगलने के प्रक्रिया में अगर आप सूखा दाना देते हैं तो गले में चॉकिंग हो सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा, जो आप चूजे घर में पानी उतना ही रखें जितना वो पी सके, पानी अलग से ना रखें, क्योंकि बत्तखों को पानी बहुत पसंद है। अगर एक चूजा गीला होता है उसमें तो भागने की प्रक्रिया में वो चूजा भाग नहीं पाता, और उस पे दूसरे चूजे, तीसरे चूजे, सारे चूजे एक के ऊपर एक बैठते जाते हैं, इससे भी मृत्यु दर बढ़ती है क्योंकि दबने से। बत्तख पालने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा तालाब हो। बत्तख को उतनी ही पानी की आवश्यकता होती है जितने में वे अपने सर डुबोकर आंखों की झिल्लियां साफ कर सकें। इसके अलावा उन्हें ब्रीडिंग के समय पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, जो योग्य देने वाली बातें हैं, जैसा मैंने कहा कि चूजे को खाना बचपन से ही पानी में भिगो कर दे। पानी की जरूरत बत्तखों में है,
लेकिन ये ध्यान दें कि ये नहीं सोचना कि अगर हमारे पास पोखर नहीं है, तालाब नहीं है, तो हम बतख नहीं पाल सकते। नहीं, आप बतख पाल सकते हैं। अन्यथा आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए कि बतख को पानी क्यों आवश्यक है। बतख को पानी आवश्यक इसलिए है, जब तक वो अपना सर को पानी में डिबोकर नहीं नहा लेती, तब तक उसे उसके आँखों में एक झिल्ली आ जाती है। अगर उस झिल्ली को पानी से वो साफ नहीं करती है तो वो अंधी भी हो सकती है। तो बतख को पानी यहाँ बहुत आवश्यक है। दूसरा, जो उसका ब्रीडिंग का समय होता है, उस समय थोड़ी पानी चाहिए होती है, नहीं तो बतख को हमेशा पानी में रखने की जरूरत नहीं है। बतख पालन में बतख की अवस्था के अनुसार उनके भोजन का प्रबंधन करना चाहिए। यदि स्टार्टर, ग्राउंडनट या फिर लेयर, इन तीनों को समय और उनकी अवस्था अनुसार दिया जाए तो उनका उत्पादन काफ़ी बढ़ सकता है। बतख को दाना देते समय ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मक्का साफ और सूखा हो, उसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना हो। जैसे हम गायों को दाना देते हैं, उसी तरह मुर्गियों की भी दाना, बतख और मुर्गी की भी दाना आती है। तो इस दाने में दाना स्टार्ट होता है स्टार्टर जब छोटा है, ग्रोअर जब बढ़ते दर पे, फिर लेयर जब वो अंडा दे रही है। तो ये तीन राशन, जो स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर, ये तीनों राशन को अगर अच्छे तरीके से दिया जाए तो आपका जो भी ग्रोथ और अंडा दर है वो बढ़ता है। बतख पालन में एक जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी हम दाना यूज करते हैं कमर्शियल, उसमें मेज यूज़ करते हैं, और मक्का, अगर मक्के में थोड़ा भी मॉइस्चर लगता है तो अफ्लाटॉक्सिन का केसेस, जो कि बतख में काफ़ी होता है, वो मृत्यु दर बढ़ा देता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपका मक्का अगर आप दाने में यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्रेश होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बतख पालन में अच्छे उत्पादन के लिए इसके अलावा भी कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे जब बतख अंडा देने योग्य हो जाती है तब उन्हें सुबह 9 बजे के बाद ही बाहर निकालें। ऐसा करने से वे अपने निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर अंडा दे पाएगी। इन सब के अलावा अधिक मुनाफा के लिए बतख के सही नस्ल का चुनाव करें तथा उन्हें बीमारी से बचाएं। जो एक और ध्यान देने वाली बात है कि आप जब बतख आपकी बड़ी हो जाती है, अंडा देने योग्य हो जाती है, तो आप ये ध्यान दें कि आप बतख को सुबह घर से निकलने से 9 बजे के बाद ही निकालें। क्योंकि मुर्गी और बतख, ये दोनों में यही अंतर है कि मुर्गियां दिन में कभी भी अंडा देती है अपने निश्चित काल पे, लेकिन बतख का एक है कि वो 9 बजे के पहले ही अंडा देती है, 9 बजे के बाद नहीं। इस बात को ध्यान रखना है और हमारी बतख को 9 बजे के बाद ही घर से बाहर निकालना है। क्योंकि बतख एक जगह जब अंडा पहली बार स्टार्ट करती है तो हमेशा वहीं देती है। तो आप अगर 9 बजे के बाद अपने घर से निकाल रहे हैं तो वो निश्चित स्थान पे अपना अंडा देकर ही बाहर निकलेगी। इस तरह से यदि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर बतख पालन किया जाए तो निश्चित तौर पर ये अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक मुनाफा भी देंगे। इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अपने झारखंड प्रदेश में गर्मी, बरसात तथा जाड़े के मौसम में भी सब्जियों की खेती होती है। जाड़े के मौसम में सोलेनेसी परिवार में टमाटर, बैंगन, मिर्च तथा शिमला मिर्च, और दलहनी में मटर, फ्रेंच बीन, बोधी, इसके अलावा पत्तीदार सब्जियों में पालक, मेथी तथा जड़ वाली में मूली, गाजर, शलगम आदि की खेती होती है। जब यहाँ अधिक ठंड पड़ती है तो ऐसे में सोलेनेसी परिवार की सब्जियों पर खास ध्यान देना चाहिए। इनके खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पाले का असर सब्जियों पर ना हो। जो आज का हमारा विषय है वो सब्जी फसल की खेती के बारे में है, और वो आम खेती नहीं है, वो वैज्ञानिक तरीके से खेती हम कैसे करेंगे हमारे किसान भाई, क्योंकि आम तरीके से आप खेती तो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आज जो खेती हम करेंगे वो वैज्ञानिक तरीके से, उनका रख रखाव कैसे खेती करनी है, इन तमाम बातों की जानकारी हम लेंगे। हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पर सब्जी फसलों की खेती हो रही है। खास तौर से बरसात के मौसम में तो किसान भाई करते हैं, लेकिन जाड़े और गर्मी के मौसम में भी काफ़ी वैज्ञानिक ढंग से, अच्छे ढंग से खेती हो रही है। इस समय जाड़े का मौसम है, जनवरी का महीना है, बहुत सारी सब्जियाँ किसान भाइयों को खेत पे खड़ी है। अगर हम नाम लेना चाहें तो अगर सोलेनेसी परिवार की बात करें तो टमाटर, बैंगन, मिर्चा, शिमला मिर्च की सब्जी हमारे किसान भाइयों के खेत पे है, और दलहनी सब्जियों में मटर है, फ्रांस बीन है, बोधी है, इसके अलावा तमाम और भी दुनिया कई तरह की दलहनी सब्जी फसलें किसान भाइयों के खेत बड़े पत्तीदार वाली सब्जियाँ, पालक, मेथी, जड़ वाली सब्जियाँ जैसे हो गई,
आपका मूली, गाजर, सलगम, ये सब भी किसान भाइयों के खेत में है और इस समय हम लोग विस्तार से इनके बारे में पर देख रेख के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सब्जियां किसान भाइयों के खेत में मौजूद हैं उनसे अच्छा उत्पादन कैसे लिया जा सके। देखिए हम अगर सोलनेसी परिवार सब्जियों की बात करें, इस समय जाड़े के मौसम में सब्जियों प्रमुख ध्यान देना है किसान भाइयों को। एक तो मौसम ठंडा हो गया है और कुहासा भी पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में फसल में पानी की व्यवस्था सिंचाई की जरूर रखें जिससे कि पाले का असर कम हो। और आजकल तो हमारे झारखंड प्रदेश में नहीं पूरे देश में टपकन सिंचाई विधि पे बहुत तरह का अनुदान किसान भाइयों को दिया जा रहा है और टपकन सिंचाई विधि से ही सब्जी फसलों की खेती हो रही है, तो समय समय पर एक नियमित अंतराल पे पानी की व्यवस्था रखें जिससे कि पाले का ज़्यादा नुकसान न हो सके। इसके अलावा जो भी दूसरी सब्जियां सब पे कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप आने का एकदम समय है, उससे बचने के लिए अगर हम बात करें तो किसान भाइयों को नीम बायो पेस्टिसाइड के ऊपर ज़्यादा जोर। हम लोग जाड़े के मौसम में थ्रिप्स, बैगन में परशुरंग कीट, रस चूसक, एफिड, जेसिड जैसे कीटों का प्रकोप हो सकता है। इनसे बचाव के लिए खेतों में क्रॉप गार्ड का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इसके अलावा दलहनी में फफूंदजनक तथा मटर में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है। इनसे बचाव के लिए बेवेस्टीन दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव करते रहना चाहिए। अभी जैसे अगर हम कीड़े मकोड़े की बात करें तो थ्रिप्स हुआ, बैगन में लीफ माइन परशुरंग कीट हुआ, और भी दूसरे तरह के कीट हैं जो कि सब्जी फसलों को नुकसान कर सकते हैं। अगर रस चूसने वाले कीटों की बात करें इसमें एफिड, जेसिड, ये सब आते हैं। इनके लिए हम लोग देखा है कि क्रॉप गार्ड काफ़ी सफल हम लोगों ने पाया है। क्रॉप गार्ड का प्रयोग किसान भाई 10x10 मीटर पे कर सकते हैं। पीले रंग का थैला टाइप होता है, खेत में लटका देते हैं और उसमें स्वतः ही जो अपने रस चूसने वाले एफिड हुआ, जेसिड हुआ, एक एड उसमें चिपक के ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी सब्जियों पर कॉन्फिडोर जो और भी दूसरे तरह के कीटनाशक प्रकोप खेतों में फसल पे हो रहा है, कॉन्फिडोर का प्रयोग किसान भाई 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके कर सकते हैं और इसका छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर किसान भाइयों को करते रहना चाहिए। अगर दलहनी सब्जियों की बात करें तो इसमें फफूंद जनित बीमारियों का काफ़ी प्रकोप हो रहा है। मटर पे पाउडरी मिल्डू सफ़ेद रंग का चूर पत्तियों पे बन जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए हम लोगों ने पाया है कि बेवेस्टीन दवा 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के घोल पे बनाकर किसान भाई अगर 10 से 15 दिन के अंतराल पे करेंगे तो जो ये बीमारी है जो सफ़ेद चूर वाली जो कि मटर की फसल पर आती है, ये इसका प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। बैंगन और टमाटर पर भी पछेती झुलसा इस समय आने का मौसम जो कि खराब है, पत्तियां एकदम किनारे से सड़ना शुरू हो जाती है। पछेती झुलसा की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को डायथेनम 45 या मैनकोजेब दवा का 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनका प्रकोप कम होता है। जब पौधों में फल लग जाते हैं तो उनकी तुड़ाई का प्रबंधन कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक यदि फलों को पौधों में छोड़ा जाए तो उससे अगली फसल प्रभावित होती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें सहारा देने से उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है, अतः बैंगन और टमाटर को सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा समय समय पर जो भी सब्जी फसलें अभी बहुत सारी सब्जी फसलें किसान भाइयों के खेत में खड़ी हैं उनकी तुड़ाई का उचित प्रबंधन करना चाहिए। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर के पौधे को सहारा देना ना भूलें किसान भाई, इससे क्या होगा हमारा फल जो है नुकसान नहीं होता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियां भी जब पत्तियां ज़मीन पे नहीं रहती है छूती हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियों का रोकथाम भी होता है। इसलिए टमाटर के पौधे हो, चाहे बैंगन का भी पौधा हो या कोई चढ़ने वाले पौधे हो, उनको सहारा देना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारा उपज भी बढ़ता है, लागत कम होती है और किसान भाइयों को जो हम दुगनी आमदनी की बात करते हैं तो दुगना मुनाफा किसान भाइयों को अपनी फसल से मिलता ही है। जो किसान भाई अब अभी आने वाले समय में लत्तर वाली सब्जियों का समय आ रहा है, भिंडी का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तापक्रम रात का काफ़ी है, अभी सीधे खेत में बुआई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने प्रयोग इस अनुसंधान केंद्र प्लांडू राजी में किया है और देखा है एक टनल या सुरंग बना के उसमें बुआई कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल अगात मिलेगी। अगात फसल मिलने से मुनाफा भी हमारा दुगना होता है, क्योंकि जो किसान भाई अभी लगा देंगे उनके 1.5 से 2 महीने पहले फसल बाज़ार में आ जाएगी और उनको उसका
लागत और अन्य की तुलना में जो मुख्य मौसम में बुआई हम फरवरी मार्च में करते हैं उससे उपज भी अच्छी मिलेगी और बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। इसलिए जितने भी लतर वाली सब्जियां हैं उनकी अभी किसान भाई या तो प्लास्टिक की सुरंग में टनल बना के ऐसा हम लोगों ने प्रयोग किया है उसमें लगा सकते हैं या उनकी पौध को प्लास्टिक के थैलियों में डाल के किसी छायादार जगह में चाहे वो प्राकृतिक रूप से खुला हमारा प्लास्टिक का घर हो या शेड नेट हो उसमें रख दें तो निश्चित रूप से हम अपनी फसल को एक या डेढ़ महीने आगात कर सकते हैं। बाद में जब वो हमारा पौधा 4 से 6 पत्ती वाला अवस्था का हो जाएगा और तापक्रम भी करीब फरवरी के महीने में जब थोड़ा बढ़ेगा तो सीधे खेत में उसको कर देंगे तो हमारा फसल फिर आगे चल पड़ेगी और हमको 1.5 महीने से 2 महीने पहले हमारी फसल बाजार में आ जाएगी जिससे कि बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। आज के ज़माने में बिचड़ा तैयार करने के लिए प्रो ट्रे का सहारा लेना बेहतर होता है। इससे समय पर बिचड़े तैयार हो जाते हैं और उनमें बीमारी की भी बहुत कम संभावना होती है। इस वजह से फसल स्वस्थ होती है और समय पर तैयार हो जाती है। पहले तो हम लोग जो बिछड़ा की बात करते थे सीधे खेत में पहले बिछड़े की हम लोग बुआई बीज की करके अपना पौध उत्पादन करते थे लेकिन किसान भाइयों अब वो समय चला गया है सीधे खेत में छोटे बीज की बुआई करके स्वस्थ पौध उत्पादन अब संभव नहीं है क्योंकि मौसम में परिवर्तन प्रतिदिन होता ही रहता है। इसलिए प्लास्टिक की प्रो ट्रेज आजकल विभिन्न आकार की आ रही हैं। अगर हम छोटे बीज वाले सब्जियों की बात करें तो उसके लिए छोटे साइज़ के प्लास्टिक की प्रोटे आ रही है और कद्दू वर्ग के लिए बड़े पौधे जिनके बीज होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के प्लास्टिक की ट्रे या प्रोट्रे बाज़ार में उपलब्ध है। किसान भाई उसी में ही प्रोट्रे में सब्जी पौधों का बिछड़ा उत्पादन करें तो उनका पौध भी स्वस्थ मिलेगी और समय की बचत होगी और उसको अच्छे ढंग से बाजार में लगा सकते हैं खेत में। प्रोट्रे के लिए आजकल एकदम बना बनाया मिक्सचर कोकोपीट आ रहा है उसी का ही प्रयोग किसान भाई करें वो स्टरलाइज होता है और बहुत सारी बीमारियाँ स्वतः ही उसमें नियंत्रित हो जाती हैं जो कि पौध में आती है। प्रोट्रे में अगर कोकोपीट का प्रयोग करेंगे पौध स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से आगे फलत भी अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं तो वैज्ञानिकों की बातों का अनुसरण अवश्य करें। इससे आपकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी तथा आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार जोहार।